एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता है आप लोग अपने अपने घर पे सेफ होंगे। तो आज मुझे करना ही पड़ेगा मोटो व्लॉग। तो ये रहा मेरा गोप्रो एंड उसके बाद मेरा जो माइक एडाप्टर है वो भी सब ऐसे ही रखा हुआ है काफ़ी टाइम से। मुझे लगता है जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एक बार भी कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया। इनफैक्ट गोप्रो तो मैंने डब्बे में डाल दिया था। तो इस अडाप्टर को इस हेलमेट में फ़िक्स करना पड़ेगा मुझे वापस से, और उसके बाद गोप्रो लगाना पड़ेगा। इससे पहले कि आप लोग पूछो, मैं खुद बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा सामान लेने जा रहा हूँ। जो खाने पीने की चीज़ें थी मेरी वो ख़त्म हो गई हैं एंड इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक चली। एंड कुछ भी लेने मैं खुद नहीं निकला, जितने बार भी गए तो मेरे डैडी गए। तो इसलिए आज मैं खुद जाऊँगा अपना सामान लेना है मुझे थोड़ा बहुत, और डीकैथलॉन भी जाना है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, और बाय द वे जो लोग नहीं करते हैंडल डिस्प्ले हो रहा है फॉलो कर सकते हो। जो लोग करते हैं उनको पता है मैं घर में आजकल काफ़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से रिलेटेड सामान भी लेना है डीकैथलॉन से। सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा है आज इतने टाइम बाद अपने शूज़ पहन के। मतलब मुझे लगता है कि जब से लॉकडाउन हुआ तब से एक बार भी मैंने यहाँ शूज़ नहीं पहने अपने, तो आज वापस से शूज़ पहन के काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलते हैं अभी, चलो। बाय द वे मैं अपना DSLR लेके नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता यूज़ करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा डीकैथलॉन में, तो DSLR घर पर ही छोड़ रहा, सिर्फ अपना GoPro लेके जा रहा हूँ। तो स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू मोटो व्लॉग में। एंड सच बताओ तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये लाइन मैं दोबारा कब बोलूंगा आप। एंड इतने टाइम बाद आज बाहर निकला, आंसू आ रहे हैं बाइक का थ्रॉटल लेके, इतनी खुशी हो रही है मुझे। सच बता रहा हूँ, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस इतने टाइम बाद अपनी बाइक को वापस चलाना सड़क पे। मेरे शहर में तो सुबह 7 से शाम के 7 तक आप अपना एसेंशियल्स लेने निकल सकते हो, अपना ज़रूरी सामान लेने निकल सकते हो, तो इसलिए मैं बाहर निकला हूँ। भैया तो मैंने बताया कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ बाइक चला के सच में, बट एक चीज़ और सोच रहा था मैं कि जो कॉप्स जो भी पुलिस डॉक्टर्स हमारे इस टाइम वर्क कर रहे हैं, अभी तो स्पेशली पुलिस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इतनी तेज़ धूप है, मेरे हाथ जल रहे हैं। सब कुछ मैंने फुल पहन रखा है, उसके बाद भी मेरे हाथ इस कदर जल रहे हैं मैं बता नहीं सकता आपको। तो अगर हमारे कॉप्स हमारी पुलिस हमारे लिए इतना कुछ कर रही है यार, तो प्लीज़ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अपने घर पर रहें और बेफिजूल बाहर ना निकलें जब तक आपको किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत ना हो। मैं खुद बहुत टाइम बाद बाहर निकल रहा हूँ और मुझे अपने खाने पीने का काफ़ी सामान लेना है, और जिम भी मैं घर पर कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत सामान जिम का भी लेना है। फिलहाल ड्यूक पार्क कर दूंगा मैं यहाँ पर एंड अपने फ्रेंड की कार से जाएंगे हम लोग। गाड़ी चलाना भूल गया भाई, मैं मरेंगे आज हम लोग। गाड़ी चलाना भूल गया, बेल्ट लगा लो हीरो दोनों। अरे वो बेल्ट, तुम्हारा ये मास्क कुछ असर करेगा नहीं भाई कोरोना से? तो हमें वो हो रहा है ना, क्या क्या मजा आ रही है अंदर से कि कुछ है? अच्छा प्रोटेक्शन अंदर से। हां हां सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी चल रहा है लॉकडाउन में। अभी तो GoPro लाया हूं। लाठी पड़ेगी ना भाई, थंबनेल लगाऊंगा साले तुम्हारे। जब तक अभी वो नहीं आ रहा ना पुलिस बूथ, तभी तक आईडिया आ रहा है। उसके बाद लाठियां आएंगी। आईफोन खुला है? पागल हो क्या? मॉल वाला नहीं खुलने वाले भाई। मैकडी चला भाई? क्या आराम से मैकडी की तरफ मुड़ते थे चले आते थे, मैं आपको खाते थे बैठ के। तो ये वही सड़कें हैं जहाँ शाम होते ही बाइकें दौड़ा करती थी हम लोग की, और आज इनको खाली देख के एक्चुअली अंदर से तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा बुरा इसलिए लग रहा है कि निकाल नहीं सकते बाइक। एंड हम लोग तो खैर फिर भी काफ़ी लकी हैं कि घर में सेफ हैं। काफ़ी लोग हैं ऐसे भी जो हज़ार हज़ार किलोमीटर पैदल जा रहे हैं घर जाने के लिए अपने। तेरा हमारा वेव वाला पुल, हम लोग रास्ते याद है तो। ये जो बीच वाला तुम्हारा पैडल है वो है ना बूस्ट का ना? हाँ वे बूस्ट का ना। और क्या? ठीक है, हमें लगा ब्रेक का होती थी गाड़ी में। अच्छा ये पेडल शिफ्टर था ना ये? इधर है ना ब्रेक है। अच्छा इधर ब्रेक, इधर पेडल शिफ्टर है, सही है। देख रहे हो भाई, मतलब भूल ही गए हैं कि मस्टैंग से घूम रहे हैं। याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। ये एसी होता है क्या? हाँ एसी कूलर है ये। चल मुंह पे हवा फेंकता है क्या सीधा? तब तो ज्यादा एक्सीलरेट मत करना। चल ना कट करना पड़ता है मुझे चक्कर में। और ये हमारे लेफ्ट में पॉलिटेक्निक, ये रहा वेव मॉल। एंड मॉल और जिम खुलने की कोई मतलब क्या कहते हैं, कोई डेट फिक्स नहीं है कि मॉल और जिम कब खुलेंगे, तो घर पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। डेट फिक्स नहीं, अगर खुलेगा मेरी ये फिक्स नहीं है, तुम डेट की बात कर रहे हो। हाँ मतलब ये फिक्स नहीं है कि
खुलेगा भी कि नहीं जिम और मॉल कभी। मॉल से तो खैर उतनी प्रॉब्लम नहीं, हम लोग वो मॉल वाले लड़के नहीं है कि मॉल जाते रहते थे, हम लोग को जिम से थोड़ी प्रॉब्लम है बस। तो जब से फोन उठा रही है बाहर निकल के, और हम लोग पहुंच गए हैं डीकैथलॉन, बढ़िया म्यूनिक कायरो टेल्स फ्लाइंग सॉसर। वेलार देखनी थी, देख रहा हूँ पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। वे मेरा है ये, चल ले भाई बहुत गर्मी है बाहर। तो गोप्रो यही छोड़ रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इतना सामान भर लिया और सब घर पे ही खेलने के लिए है, बिकॉज टाइम पास करना बहुत जरूरी है। BMW मोटर फेक टैग है वे। चलो सामान ले लिया हम लोगों ने और काफी कुछ लिया है। तुम्हें कुछ पता भी भाई, एसी चला दो थोड़ी देर, थोड़ी देर क्या पूरी देर चलाएंगे। फुटबॉल खेलेंगे, हाँ निकाल दूंगा। तो काफ़ी सामान ले लिया हम लोगों ने, अब निकलने का टाइम हो गया और थोड़ा बहुत खाने का सामान अभी बचा है वो लेना है, उसके बाद घर चलते हैं। इंस्टाग्राम ऐसे स्वाइप कर रहा था, काफ़ी पोस्ट देखता हूँ मैं लोगों की कि लोग बहुत परेशान है, घर से निकलने को नहीं मिल रहा है, ये वो काफ़ी चीज़ें लोग बता रहे हैं कि मतलब कितना बुरा लग रहा है उनको घर पे रह के। बट सही बताऊँ तो यार हम लोग जिस पोजीशन पे हैं हम लोग बहुत लकी हैं। काफ़ी ऐसे गरीब लोग हैं यार जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, कोई बसेस नहीं चल रही, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। तो मैं उन लोग के वीडियोज़ देखता हूँ फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, तो सच में यार दिल से बहुत बुरा लगता है, मतलब इतना ख़राब फील होता है कि लोग 500-500 1000-1000 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। तो अगर आपके एरिया में भी आपको कोई भी ऐसा इंसान दिखता है या मिलता है तो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर करो, और जितना हो सके खाने पीने का दे दो उसको, थोड़े पैसे दे दो, अपने घर पर रहो, आप लोग सेफ रहो, बिकॉज सेफ्टी से बड़ा कुछ नहीं है। एंड अगर आप घूमोगे तो सिर्फ आप अपनी अकेले की सेफ्टी डेंजर में नहीं डालोगे, अपने पूरी फैमिली की और जितने भी लोग आपके आसपास रहते हैं सबकी सेफ्टी आप डेंजर में डालोगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ घर पर रहो, सेफ रहो। सारा सामान मैं घर पर रख आया हूँ, बिकॉज बाइक से ले जाना पॉसिबल नहीं था, मुझे लगा था आ जाएगा, बट मैंने दो फुटबॉल खरीद ली थी बिकॉज छत पे खेलता हूँ टाइम पास करने के लिए मैं, और थोड़ा फिटनेस के लिए भी खेल लेता हूँ, एक्सरसाइज अगर नहीं कर पाता हूँ जिस दिन तो फुटबॉल हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो कर ही ली एक्सरसाइज मतलब भर की, बिकॉज घर में कुछ ऐसा काम भी नहीं रहता कि आपका वर्कआउट होता रहे। तो बस इसीलिए आज बाहर निकले थे। तो कल मैं सामान लेके सब लौट आया था, एंड मैंने एक्चुअली ये दो फुटबॉल खरीदी थी डीकैथलॉन से, एक योगा मैट खरीदी और अपने खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान खरीदा जिसमें ओरियोज थे, थोड़े बहुत चिप्स थे और भी एक्सरसाइज से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें थी खाने पीने के लिए। एंड इनफैक्ट थोड़ी टी शर्ट्स भी ले आया था मैं घर में पहनने के लिए, जैसे कि मैं ये वाली पहने हूँ। ये सब काम थे जिसकी वजह से मैं बाहर निकला था, एंड मुझे लगता है 2 महीने हो गए थे मुझे बाइक निकाले हुए। एंड इनफैक्ट मेरा फ्रेंड भी बोल रहा था कि कार चलाए हुए इतना टाइम हो गया, लग रहा है कि कार ही भूल गए अब। ब्लॉग एंड करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ आप लोग से। देखो मैं जानता हूँ गवर्नमेंट ऑलमोस्ट ज़्यादातर सिटीज़ में थोड़ी बहुत छूट दे रही है, बाइक पे 1 लोग अलाउड है, कार में 3 लोग अलाउड है, तो यार इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ज़बरदस्ती घूमो या मतलब बाहर जाओ नॉर्मल डेज की तरह निकलना शुरू कर दो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा यार जब तक आपको बहुत ज़रूरी काम ना हो, आपको एसेंशियल्स नहीं लेना हो, आपको कुछ ज़रूरी सामान ना लेना हो, तब तक बाहर मत निकलो आप लोग। कुछ लोग यही बोलते हैं कि सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक कॉप्स नहीं रहेंगे, तो सच बताऊँ तो आपको कॉप से नहीं डरना यार, आपको उन चीज़ों से बचना है। और इनफैक्ट जो भी कॉप्स है पुलिस है वो हमारी सेफ्टी के लिए लगी है जिससे हम लोग बाहर ना निकले। तो अगर हम लोग इतने केपेबल होते, हम लोग सारी बात मानते गवर्नमेंट की, सच बताऊँ तो ये पुलिस की भी ज़रूरत ना पड़ती। लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो कितनी बुरी हैं, एंड इनफैक्ट और कितनी बुरी हो सकती है उनकी लापरवाही की वजह से। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। तो इस व्लॉग को ये एंड करते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है मुझे, फॉलो कर सकते हो, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।